मालवा के पुनर्निर्माण में अहिल्या देवी ने दर्ज की अपनी पहली जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। व्यापार की योजना को जिस तरह से अहिल्या देवी ने समझाया था उसको करने में उतनी ही कठिनाई आ रही है, यानी कि एक कागज पे योजना और एक प्रैक्टिकली लोगों के बीच में जाके उस योजना को पूरी तरह से कारगर करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मगर फिर भी अहिल्या देवी ने अपनी पहली जीत तो दर्ज कर ही ली है दोस्तों। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जितना हमने अभी तक इस जर्नी में देखा है इस सीरियल के जरिए कि जो भी काम अहिल्या देवी ने उठाया है वो आसान काम नहीं है। आसान काम तो वो चूज ही नहीं करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि कठिनाई वाले काम जो है अगर मैं करूंगी उसी से देश का विकास होगा, उसी से लोगों का भला होगा। तो ऐसा ही कुछ काम उन्होंने व्यापार की योजना को लेकर शुरू किया और जब सबने उस योजना पे ताली बजाई बहुत अच्छा लगा, तब अहिल्या देवी ने प्रैक्टिकल लेवल पर उस काम को शुरू किया। उनको भी पता था कि ये काम करना आसान नहीं है। पहले पुरुष जो हैं वो खड़े हो गए, पुरुषों को समझाने की कोशिश की कि देशभक्ति कीजिए, देश के निर्माण में साथ दीजिए, आपका भी भला होगा, आपके परिवार का भला होगा, क्योंकि कारीगर एक से बढ़के एक है मालवा में। मगर पुरुषों को भड़काने के लिए गुन्नू जी ने अपने बंदे छोड़े हुए हैं। अब पुरुषों के बाद नारियों की बारी आई, औरतों की बारी आई, जिन पे अहिल्या देवी को पूरा विश्वास था और उनको पता था। जैसे उन्होंने देखा घर के बाहर लटके हुए कढ़ाई वाले कपड़ों में, रजाइयों में किस तरह की कला है मालवा की स्त्रियों के अंदर, उनके हाथों में जादू है, तो ये जादू देश के क्यों ना काम आए, क्यों ना इनका घर बहुत अच्छे से चले और देश भी बहुत अच्छे से चले। तो ये सारी योजनाएं लेके उन्होंने फिर से स्त्रियों को भी समझाना शुरू किया, मगर पुरुषों ने इतना दबाव डाला कि वो स्त्रियों को उठा नहीं पाई। फिर हमने देखा किस तरह उन्होंने कोशिश की अपना कुएं पे जाके पानी भरना, उनके जैसी बातें करके उनको समझाया कि मैं भी आपके जैसी ही हूं, और असली बात उनके दिमाग में डाली कि आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है आपके लिए और आपके बच्चों के लिए जो आने वाली पीढ़ी है। वहां पे वो जो है ट्रिगर पॉइंट था, वहां पे वो स्ट्राइक किया सबको कि सही तो कह रही है छोटी रानी, और ऐसा नहीं कह रही है कि अपना घर बार छोड़ो, अपना घर का काम छोड़ो, बल्कि आप दोनों काम बैलेंस करो। तो अल्टीमेटली सारी की सारी स्त्रियां वहां पे पहुंची जहां पे अहिल्या देवी ने कहा था कि आज शाम भी मैं आपका वहीं पे इंतजार करूंगी। वहां पे पहुंच गई और उनकी बातचीत से जिस तरह उन्होंने विरोध भी किया अपने पतियों का, उससे साफ जाहिर हो रहा था दोस्तों कि अंदर से वो पूरी तरह से समझ चुकी हैं कि क्या अहिल्या देवी कहना चाहती हैं, क्या उनकी योजना है, कैसे हम अपने लिए भी और अपने देश के लिए भी बहुत कुछ कर सकती हैं, और हम योग्य स्त्रियां हैं। हम ऐसे नहीं है कि सिर्फ चूल्हा चौका करना है, हमें अपनी कला को लोगों तक पहुंचाना है, अपने देश के निर्माण में, पुनर्निर्माण में हम सहायक हो सकती हैं। कैसे प्यारे तरीके से अहिल्या देवी ने मालवा की मिट्टी को प्रणाम किया, उन देवियों को नमन किया मालवा की मिट्टी की तरफ से कि वो ये मिट्टी आपकी हमेशा आभारी रहेगी। ये छोटी बातें नहीं है दोस्तों, और ऐसे ही नहीं उन लड़कियों का, उन जो भी औरतें थी उनका दिल पिघला, क्योंकि ये सच्ची बातें हैं। झूठी बातों पे दिल नहीं पिघलते हैं, थोड़ी देर के लिए मोमेंट्री पिघल सकते हैं मगर नहीं पिघलते हैं लॉन्ग रन में। तो वो उनके ऊपर ये इम्पैक्ट हो गया है, अब उनके पति नाराज हो, कैसे वो मनाएंगी पतियों को, क्या क्या वो करेंगी, वो आगे की बात है। मगर फिलहाल पहली दर्ज जीत जो है उन्होंने कर दी है। वहां से यहां तक पहुंचने का सफर, जहां पे दरवाजे बंद होते थे दरवाजों का खुलना, और फिर एक एक करके महिलाओं का आपस में जुड़ना, और फिर अहिल्या के पास पहुंचना, अहिल्या देवी के पास पहुंचना, ये बहुत बड़ी जीत है दोस्तों। क्या कहते हो आप, आपका क्या कहना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।